हेलो बच्चों, आइए एक गजब की जानकारी आपको देते हैं। बचपन में आपने सीखा होगा कि कोई भी नंबर किसी की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन क्यों होती है। ये बहुत ही आपको बेसिक है, बहुत छोटी सी बात है, बट ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों होता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन क्यों है। जैसे भाई टू का स्क्वायर समझ में आता है कि टू को हमने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया तो टू टू सा फोर। इसी तरह से टू का क्यूब का मतलब टू को हमने तीन बार मल्टीप्लाई कर दिया, दो दुनी चार दुनी आठ, ये समझ में आ रहा है। लेकिन कोई नंबर उसकी पावर जीरो वन क्यों हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। इसी को आज आपको फील कराएं, कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो क्यों है, तो ये जरा समझना जरूरी है बेटा। ठीक है, आइए इसको समझाते कैसे हुआ। वास्तव में जब हम किसी नंबर की पावर जीरो, भैया टू का स्क्वायर का मतलब दो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा, टू क्यूब का मतलब टू तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा, टू की पावर जीरो मतलब टू मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, तो फिर वन क्यों हो रहा। तो ये आइए देखिए, इधर से नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा, बाकी टू स्क्वायर एक्सप्लेन हो रहा है, टू क्यूब एक्सप्लेन हो रहा, तो ये समझाते हैं। देखो इधर सबसे पहले बताइए ए बाई ए, आपको मालूम है फाइव में फाइव का डिवाइड करो कट गया वन हो गया, सेवन बाई सेवन कट गया वन हो गया, वैसी ए बाई ए ये क्यों वन हो, ये तो वन होगा ना, ये तो मालूम है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है, ए से ए कैंसिल वन हो गई वैल्यू, तो ये हमने इसके पावर में वन मान लिया, किसी का पावर ना लिखा हो तो वन मान लीजिए। और ये ए की पावर वन, और ये वाला जो नीचे वाला बेस है ये मतलब जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर ले गए, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा माइनस वन और इज इक्वल टू वन, तो अब क्या होगा दोनों का बेस सेम है, पावर एड हो जाएगा वन माइनस वन, इसलिए हमारा वन माइनस वन जीरो हो गया, इसलिए क्लियर हो गया कि अब किसी की पावर जीरो वन। अब आप ये जान गए, लेकिन वास्तव में क्या फील करना है, अगर आपको कोई बोलता है सेवन की पावर जीरो, इसे फील करेंगे सेवन बाई सेवन, टू की पावर जीरो टू बाई टू, नाइन की पावर जीरो नाइन बाई नाइन। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।